अभी निकल चुके हैं उदयपुर से और हमें इतना लंबा सफर तय करना है, तय करना है जो कि 13 आवर्स है। 13 आवर्स हम पहुंचेंगे 7:30-5:30 बजे। हाँ, गूगल हमें अंदर से लेके आया था गलियों से, बट हमने जो हम आए थे जहाँ से हम वहीं से आए उसने सिर्फ वापस ही रास्ता लोकेशन दे दिया। तो जब भी आप कोई अंदर से आने को बोले तो प्लीज़ बताइएगा, पता नहीं कौन सा गली कौन सी में गली में काम चल रहा होगा। सो आपको मुंबई पहुँच के फिर अपडेट देंगे कि हम कहाँ रुके। रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई तो भी देते हैं। रास्ते में कुछ हुआ, कुछ लगा कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी गूगल है ही, गूगल से आना। सो हम बॉम्बे एंटर कर चुके हैं, ये मुंबई हम एंटर कर चुके हैं और जो हमारी डेस्टिनेशन है वो 45 मिनट दूर है, 23 किलोमीटर है बचा है अभी जो हमें क्रॉस करना है। मुंबई एंटर करते हैं, बस एक बार आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, बाकी एकदम रोड क्लीन है। बस ये है सुबह 3 बजे निकल जाओ। हाँ बोलिए। बस ये है कि आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप 3:30 के अराउंड निकल जाते हो तो 4:30 के आसपास आप पहुंच जाओगे मुंबई, एंटर कर लोगे, सो दैट आपको ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा। वो भी सकता है कर सकते हो बट हमें नहीं करना पड़ा अभी तक तो फॉर श्योर। देखते हैं अभी हम होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद हम जाएंगे बीच। वहाँ से मैं को थोड़ा सा अपडेट दे दूँगी, फिर हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग पर निकलेंगे गोवा के लिए, साउथ गोवा। पहले हम साउथ गोवा जाएंगे, उसके बाद हम नॉर्थ गोवा जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय। सो गाइज आप देख सकते हो आज हम यहाँ रुके हैं होटल पार्ले में, जो उसका एंट्रेंस है और हम इधर हैं इस एंट्रेंस पे। आज हम यहाँ रुके हैं, कल सुबह हम निकल जाएंगे गोवा के लिए। सो मैं आपको अंदर जाके रूम का व्यू दिखाऊंगी कि रूम कैसा है। सो ये इसका इंटर है, इसकी दो बिल्डिंग्स है, वन ऊपर वो और दूसरा ये। विल शो यू इन साइड रूम हाउ इज इट लुक, एंड क्लीन है, नॉट बैड, आप चाहो तो स्टे कर सकते हो। सो कैन सी ये हमारी कार जो बहुत गंदी हो गई है, बहुत लॉन्ग ड्राइव करके आई है। सो हम एंटर करें हमारे रूम में बॉम्बे का पार्ले, द पार्ले होटल, पार्ले इंटरनेशनल। अरे हम सर करेक्ट फ्लोर पे हैं क्या? हाँ। सो ये यहाँ की गैलरी है, यहाँ रूम सब हैं बहुत सारे, और ये हमारा रूम है 362। इसकी की किसके पास है? तेरे पास है। सो ये रूम है, एज यू कैन सी छोटा सा रूम है, देख सकते हो। अगर आप चाहो रुकना तो रुको, बट जब आप बुक करो तो वहाँ डिलक्स दे रखा है, बट वो आपको कुछ और देते हैं। ये वॉशरूम है छोटा सा, अब थोड़ी सी स्मेल है, जैसे आप एंटर करोगे तो स्मेल आएगी, और ये विंडो है बस। भाई आपको अपडेट, हम अभी हम रेडी होके जाएंगे बीच पे, जो बीच पे वहाँ से थोड़ा सा मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊंगी कि बीच कैसा है। अगर आप ऑलरेडी आ चुके तो अच्छी बात है, जो नहीं आए उनको दिखा दूंगी कि कैसा है। सी यू, स्टे ट्यून्ड, बाय। जा रहे हैं जो बीच, और हमने किया है रिक्शा जो हमें जू के बाहर तक छोड़ देगा। ये हमें हमारी होटल के बाहर मिला है, मतलब थोड़ा आपको चल के आना होता है क्योंकि स्टेशन है उसकी स्टेयर्स है। सो ये हमें जू बीच ले जाएगा प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हुए। लोग पहुंच गए जुहू बीच, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत क्राउड है।
और ज़्यादा। सो ये जू बीच है मुंबई का। वीकडेज पे इतना क्राउड है तो फिर वीकेंड पे कितना क्राउड होगा? मैंने भी 4 साल बाद यहाँ आने का मौका मिला। वो तो है। निकलने में आती है ना।